lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. तुम्हें देर हो रहा है ना तो तुम चले जाओ, मैं ना मेरे फ्रेंड के साथ चले जाऊंगी।
ये फोन का भी एक फोन आती है तो ठीक है देखिए उस फोन की आईडी सेव करना हुआ था बहुत सारी हार्ट देखा तो जीविन क्या जीके कहती है जीविन ये किसके फोन आ रहा है ये मेरी फ्रेंड तुम्हारी कौन सी फ्रेंड की है ये मेरी फ्रेंड तहमीन है तहमीन तुम्हारी फ्रेंड ये क्या तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड है और कुछ भी उनकी ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है ओह सिर्फ फ्रेंड है तो सिर्फ फ्रेंड की फोन क्यों हार्ट देकर इतनी सारी हार्ट देकर उसकी नेम सेव कर रखा हो तुम क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैंने ऐसे सब हाँ बेस्ट फ्रेंड के नाम ऐसे सब कर दिया ना क्योंकि तुम मुझे एक बात बताओ तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम होती है मेरी हर बात पर मुझे मेरी तरफ रहने दो ना क्योंकि तुम्हें जो चाहिए तुम वो करो मुझे भी करने दो ना मैंने तुम्हें कहा था ना जितने दिन तुम मेरी वाइफ हो मेरी तरफ रहोगी मैं जो कहूंगी वही करोगी ठीक है हाँ उठाओ फोन तो जीविन फोन उठा दिए तो ठीक है जीविन के हाथ से फोन लेके हाँ बात करो इसके साथ मैंने कहा बात करो स्पीकर ऑन करके मुझे भी तो सुनना है ना ये क्या कहे तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तो जीविन कहती है सब कुछ ठीक है ना तो ऐसे क्यों बात कर रहा है कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ कॉलेज पर हाँ वो तो मुझे भी पता है कि तू आ रहा है कोई बात नहीं बेबे तुम वहाँ पर रुको मैं आती हूँ मैं आके तुम्हें ले जाऊंगी ठीक है नहीं टाइमिंग इसकी कोई जरूरत नहीं मैं चली जाऊंगी नहीं मैंने कहा ना तुम नहीं आ पाओगी मैंने इतनी सी एक बेबी छोटी सी बेबी तुम ही आ पाओगी ठीक है मैं आती हूँ तुम क्या तुम्हारी आप ही के घर पर हो हाँ मैं तो तेते के घर पर हूँ हाँ जी मीना तुम तुम्हारी घर पर कब जाओगी बताओ अगर तुम तुम्हारी घर पर चली जाओगी ना तो मैं वहाँ पर आऊंगी और हम दोनों एक साथ पढ़ाई कर सकती हूँ और बहुत सारे बात भी कर सकती थी हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ बात करनी थी हाँ मुझे पता है मेरी बेबी मुझे बहुत मिस कर रहा है तो जब ये कहती है जी के फोन लेकर फोन फोन को तोड़ देती है क्या किया तुमने ये मैंने क्या किया इससे तुम तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था ये तुम कह रहा था क्या बेबी ओह तुम इससे मीज भी करती हो क्या आओ मेरी बेबी मेरे बेबी ने मुझे मिस किया इसकी हिम्मत कैसी हुई हाँ ये मेरी वाइफ को बेबी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी एक साल की वाइफ ठीक है जी मीना मैंने कहा है ये बात मैं मुझे बार बार बात बताओ मुझे पता है कि तुम मेरी एक साल की वाइफ हो ठीक है तो जी के जब ये कहती है जी मैं देखिए जी के बहुत ज्यादा गुस्सा है जी के पूरा गुस्से में जिमिन के हाथ बहुत टाइट से पकड़ लेती है अब यहाँ से चलो क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ अगर यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी ना तो मामा यहाँ पर चली आएगी एंड फिर से गलत समझेगी उन लोगों को तो नहीं पता है कि तुम क्या करती हो क्योंकि सच में वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एंड मुझे बेबी कहती है क्योंकि हम लोग एक साथ में बड़ा हुआ ना इसलिए हाँ जी मैं मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही था जब तुम छोटी थी तो ये तो तुम्हारे से छोटे थे जब उस टाइम जो नहीं थे हाँ नहीं था बट ये तो हाँ ये तो क्या ये तो मुझे स्कूल पर हाँ तो स्कूल पर फ्रेंड नहीं तो क्या हुआ ये क्या कहा तुमको कि तुम अगर घर पर चले जाओगे ये तुम्हारी घर पर आएगी साथ में पढ़ाई करेगी एंड बहुत सारी बात भी करना है इनको बट कुकु की शट अप जेके जिमिन को पकड़ के उसकी गाड़ी के अंदर बैठा रहती है एंड जेके भी बैठ जाती है प्लीज क्या प्लीज हाँ तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के चली जाओ मेरे ऑफिस पर और तुम उस लड़के के साथ जाओ हाँ तुम ये यही चाहती हो तुम
बेबी क्या क्या उसने उसको नहीं पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी वाइफ हो, वो किसी और की वाइफ को कैसे नहीं बेबी कह सकती है, नहीं पता है ना उसको, तुमने ही तो कहा था कि किसी को नहीं बताने के लिए, इसलिए तो मैंने नहीं बताया, तो ओह मैंने कहा था मेरी ऑफिस पर और मैं जिसको जानती हूँ उन लोगों को नहीं बताने के लिए, बट तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड हो उसके, कुकु कि मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं बता दूंगी तुमको पता चलेगा तुम बहुत गुस्सा हो जाओगी, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, तुम इसलिए नहीं बताया, बट अब तो मैं गुस्सा हो गई, अब क्या करोगी तुम? तो जेके जिमिन को किस कर लेती है मुझसे से। मुझे जानना है तो तुम बताओ मुझे क्या क्या जानना है तुम्हें, तुम क्या मुझसे प्यार करती हो? हाँ मैं तुमसे प्यार, अगर मैं तुमसे प्यार करती तो मैं क्या तुमसे एक साल के लिए शादी करती? तुम्हें नहीं पता कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो मैं क्यों तुमसे प्यार करूंगी? क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम मुझसे किसी और के साथ क्यों नहीं देख सकती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ किसी और के साथ तुमको, क्योंकि तुम अब मेरी वाइफ हो, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सारे लोग ये कहें कि जॉन चंकू की वाइफ और लड़कों के साथ रहती है, शादी के बाद भी लड़कों के साथ घूरती है, फिर अब तो मुझे ये कहना भी नहीं है। बात क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो क्योंकि ये एक साल की शादी मुझे नहीं रहना है, और क्योंकि क्या हम डिवोर्स कर सकते हैं? हाँ क्या कहा तुमने, तुम क्या भूल चुके हो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था तो उस पे एक साल लिखा हुआ है, अब हम लोग कैसे डिवोर्स कर सकते हैं इसके पहले? बट ओके कोई बात नहीं, और तुम मुझसे पूछा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं, तुम क्या खुद को देखी हो खाओ पहले? मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कितनी क्यूट है, हॉट है, एंड उससे भी बड़ी बात है कि वो ऑफिस पर भी जाती है, और तुम तो ऑफिस पर भी नहीं जाना चाहती हो, तुम्हारे पापा तुम इतनी बार कहा उनके ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, बट तुमने क्या कहा, नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तो तुम्हारी जैसी लड़की को कौन शादी करेगी? हाँ और प्यार भी करेगी जिसको कुछ भी नहीं आती है? तुम्हारे पापा का तो बहुत पैसा है, ये बात तो सही है, बात तुम रहते हो कैसे लो कैलस, और तुम क्या सोच सकते कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? हाँ तो जिमिन कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बैठी रहती है वहां पर, और जेके जिमिन को कॉलेज पर ले जाती है, एंड जिमिन जब कार से उतरती है जेके कहती है एक बात बहुत अच्छे से सुन लो, अगर मुझे पता चले कि तुम उस लड़के के साथ बात किया, उस लड़के के तो बारे में बात नहीं करना है मुझे, उस दिन जब मैंने और एक लड़के के साथ तुमको देखा था उस लड़के के साथ भी तुम नहीं बात करोगी, किसी लड़के के साथ नहीं बात करोगी, ठीक है? जब तक तुम मेरी वाइफ हो मैं नहीं चाहती हूँ, मैं ये सारी चीज नहीं चाहती हूँ, तो तुम नहीं करोगे, ठीक है? तो जिमिन कुछ नहीं कहती, जिमिन चली जाती है अंदर, एंड जेके कहती है I'm sorry Jimin, मुझे करना ही पड़ा, बट मैं क्या कर सकती हूँ Jimin, मैं अगर तुम कह दूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे कहोगे क्योंकि ये तुम्हारे से प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका कोई दूसरा और कुछ कर लेंगे, बट नहीं Jimin, मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम जिसके साथ शादी करो उससे तुम बहुत खुश रहो और तुम्हारी हैप्पी फैमिली हो, बट मैं नहीं चाहती मेरे एक प्रॉब्लम के लिए तुम हमेशा ये सोचो कि तुम्हारी एक हैप्पी फैमिली नहीं हो सकता। एंड हाँ जिमिन, तुम जो पूछा था मेरे पास कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं कह नहीं सकती, बट मैं लीला की खराब है इसलिए मैं तुम्हें नहीं पा सकती।
पर मैं तुम किसी और के साथ देख भी नहीं सकती हूँ। जब तुम किसी और लड़के से बात करती हो और लड़के की तरफ देखती हो ना, मुझे तब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे तो मन करता है कि मैं उस लड़के को मार दूँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ। गॉड प्लीज, गॉड हेल्प मी, गॉड आपने मेरे से क्यों ऐसा किया। गॉड तो जे के उसके ऑफिस पर चल जाती है। टेटे, हाँ जी मीना, टेटे चलो पापा के पास जाना है मुझे अभी। बट जी मीना, कोई और कुछ देर बाद जाएंगे हम। क्यों टेटे, आप क्यों नहीं? अच्छी मीना मुझे ना थोड़ा सा ओके कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो तुम्हें यहाँ पर रह सकती हूँ, मैं चल जाती हूँ। अच्छी मीना तुम कैसे जाओगी? टी मैं आप तुम्हारी छोटी जी मीना नहीं हूँ, मैं जा सकती हूँ। जी मीना तुम मेरे पास अभी भी छोटी हो, ठीक है? हाँ टेटे, मैं तो तुम्हारे पास ही सिर्फ छोटी हूँ, बट और सारे लोग तो कहते हैं मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जी मीना, ये मुझे कुछ आती और जाती नहीं है, ठीक है? मेरे पास मेरी बहन हमेशा छोटी थी और छोटी रहेगी, तुम मेरे पास छोटी रहोगी, एंड तुम मेरी। हाँ टेटे ठीक है, टेटे अब मैं जा रहा हूँ। बात जी मीना तुम कैसे जाओगी? टेटे प्लीज, टेटे मैं जा सकती हूँ, मुझे पापा के संग मुझे पापा के पास जाना है। टेटे मुझे अभी 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 पापा के पास जाना है, पापा से बात करना है। हाँ जी मीना, अगर तुम्हें इतने ही जाने के लिए तो तुम जा सकती हो। तो जी मीना वहाँ से चली जाती है एंड वो उसके पापा के घर पर चली जाती है। वो घर पर जाके उसके पापा को बहुत पैसा कर लेती है। पापा, हाँ मेरे प्रिंसेस, तुम कब आई? पापा मैं तो अभी अभी यहाँ का डोर ओपन था तो इसलिए मैं अंदर आ गई। हाँ मेरी बेबी, ये कोई कहने की बात है? मेरी बेबी को जब मन करे तभी आ सकती है अंदर। हाँ क्या हुआ बेबी, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? तुम्हारे फेस, तुम क्या रोई हो बेबी? क्या हो मेरे प्रिंसेस? नहीं पापा सब कुछ ठीक है, पापा मुझसे ना आपसे कुछ कहना था। हाँ क्या प्रिंसेस? पापा मैं आप जो चाहती हैं मैं उसके लिए आप रेडी हूँ। कौन सी बात प्रिंसेस? पापा जो बात आप हमेशा मुझे कहती थी, जो आप हमेशा थे और मुझे चाहती थी कि मैं और थे वो। हाँ हाँ मुझे याद आया, बट बेबी तुम्हें तो ये पसंद नहीं है ना? पापा अब मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है और मैं करूँगी बेबी, सच में। हाँ पापा, आई एम सो हैप्पी प्रिंसेस, आई एम सो हैप्पी। तुमको नहीं पता ये तुमने आज क्या कहा है, मैं हमेशा ये चाहती थी, बट बेबी मुझे तो मुझे ना अब ये भी चाहती थी मैं कि मेरी बेबी जो चाहे वो करे, बट बेबी तुम तो अब। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको मैं इसके साथ मेरी हर ड्रीम पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपकी बेटी कैसी है। हाँ मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मेरी बेटी के पास ये तो कोई बात ही नहीं है। हाँ पापा, तो इसीलिए आप जो चाहती थी मैं वो भी करूँगी आपसे, और मैं जो चाहती वो भी करूँगी। हाँ ओके माय प्रिंसेस। तो पापा मैं कब से ज्वाइन करूँगी? प्रिंसेस तुम कल से ज्वाइन करो, ठीक है? ओके पापा। बट प्रिंसेस तुम क्या जानकू के साथ बात किया इस बारे में? नहीं पापा, और मैं चाहती आप भी नहीं कहे किसी को, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं ज्वाइन करूंगी तब सब लोग मुझे देखे। ओके माय प्रिंसेस, तो तुम कल चली आना, ठीक है? ओके पापा, अब मुझे जाना है। पापा अपना अपना खुद का ध्यान रखिएगा, और मैं आपसे कल मिलती हूँ। हाँ ओके माय मेमी, बाय बाय पापा, बाय प्रिंसेस। Don't sound it no holy.